सद्य सुवास कोस्मी, इन केशर से मैं अत्यंत अत्यंत सुवासित हो रहा हूं। अब श्री प्रिया जी तो कह रही है सनर्म स्मित मुस्कुराते हुए कि श्याम सुंदर चंद्रावली परमलिन वासितोसि त्वम, बोले आपके श्री अंग से चंद्रावली की गंध आ रही है। चंद्रावली के दो अर्थ होते हैं, चंद्रावली का एक अर्थ तो चंद्रावली जी है ही है, मुख्य अर्थ तो चंद्रावली है। चंद्रावली का एक अर्थ होता है तपुर, तपुर को भी चंद्रावली कह रहे हैं। तो श्री किशोरी जो जो तटोलने के लिए कह रहे हैं, ये श्याम सुंदर के लिए बात उघाड़ने के लिए, कहीं उघाड़ने के लिए टटोलने के कह रहे हैं। बोले श्याम सुंदर आपके श्री अंग से चंद्रावली की गंध आ रही है। श्री कृष्ण एकदम घबरा जाते हैं और कह रहे प्रिय परहास कान्य पिते वचनानि न कदाचित अभी व्यवचरंती, परहास में कहे हुए वचन तुम्हारे वे भी कभी झूठे नहीं होते हैं। प्रिय परहास में भी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यद अति मदंगता चंद्रावली सौरभ्यम उदंचति, आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, परंतु ये जो चंद्रावली है ये कपूर की सुगंध मेरे शरीर से आ गई है। चंद्रावली के दो अर्थ हो गए, चंद्रावली मतलब चंद्रावली जी की श्री अंग नहीं है, बल्कि ये मदंगता चंद्रावली सौरभ्यम माने कपूर की गंध ही प्रकट हो रही है। तो तुमने जो वचन कहे वो झूठे थोड़ी कहे, चंद्रावली मैंने हाँ वास्तव में चंद्रावली की सुगंध है, पर ये उस चंद्रावली की नहीं बल्कि कपूर की सुगंध है। श्री राधिका ईर्ष्या सहित जैसे ही श्याम सुंदर ने कहा चंद्रावली की गंध है, वैसे श्री प्रिया जी ईर्ष्या धारण कर रही है और कह रही है ललता कानों में क्या रूई लगा करके बैठी है, सुनने गई है श्याम सुंदर ने क्या कहा कि मुद्रित करना से कामों में क्या रूई ठूस करके बैठी है, सुनी नहीं क्या तूने क्या कहा था। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं बोल प्रिय कथम अक्षर साम्या अक्षमासी, बोले अक्षर की समानता के कारण अक्षमासी तुम क्यों भ्रम में पड़ रही हो, तत्व को निकालने में तुम क्यों समर्थ नहीं हो रही हो, अक्षर की समानता से तुम क्यों अक्षर साम्यात अक्षमासी, अक्षर की समानता से जो तथ्य है उसको समझने में क्यों समर्थ नहीं हो रही हो, अर्थात अक्षरों के कारण तुम भ्रमित हो रही हो। वास्तव में कपूर की ही ये सुगंध है। जब अहम कपूरावली वर्ण्यामी, चंद्रावली का तात्पर्य कपूरावली ही है, कर्पूर की से ही मैं सुगंधित हूं। ऐसे जब कहा इतने में ही श्री प्रिया जी जैसे मान गई है और श्री राधिका मुस्कुराती हुई कह रहे हैं बोले श्याम सुंदर कौन से फूल लाए लाओ। अब यहां पर श्री प्रिया जी में कोमल मान है, मान दो प्रकार का होता है, एक मान होता है दृढ़ मान, एक मान होता है कोमल मान और एक मान होता है सहज मान, तीन मान। सही मान तो सर्वदा रहेगा मिलन में, चाहे कितनी भी अनुकूलता हो, शिवप्रिया जी लाल जी सदा मिल रहे हैं, परंतु शिवप्रिया जी जब भी बोलेंगे तो टेढ़ी बोलेंगे, वो सहज स्वभाव है। जहां पर अछंद अछंद पग धरत पुंज मग मगज रहत आसमाने, दिमाग जो है वो साथ में आसमान नहीं चढ़ा रहेगा, सदा बोलेंगे तो टेढ़ापन अपने आप ही आएगा। तो ये माननी जो नायिका का स्वभाव है वो तो रस को बढ़ाने वाला है, उसका नाम है सहजमान। तो सहजमानता या सहजमान ये तो माननी का स्वभाव ही है, नेति नेति वचन उनके सदा विराजमान ही रहेंगे, तो उसको तो मान का एक स्वरूप हुआ सहजमान, दूसरा मान का स्वरूप हुआ उसको कहते हैं कोमल मान। कोमल मान कहीं तो अति कोमल है और कहीं कोमल है, अति कोमल मान उसका नाम
जहां पर के टेढ़ापन आया और फिर प्रेम ही टेढ़ेपन को फिर से समर्पण में परिणत कर दे, उसका नाम है अति कोमल मान। टेढ़ापन भी रहेगा और साथ के साथ में उत्सुकता भी रहेगी। कोमल मान का एक दूसरा रूप है कि जहां पर मान करते हुए श्री प्रिया किसी तरह से जरा सा कोई बहाना बनाया, श्याम सुंदर ने कोई सेवा की और सेवा करने पर बांधता भूल गया, जरा सा समझाए और समझ गए, उसका नाम है कोमल मान। और एक होता है दृढ़ मान। दृढ़ मान वो है जहां पर प्रयत्न करने पर बड़े कठिन में मान दूर होता है। यहां पर शिवप्रिया जी में इस समय कोमल मान प्रकट हुआ, न तो सहज मान है न ये अति दृढ़ मान है, बल्कि दोनों के बीच में जो कोमल मान है वो कोमल मान प्रकट हो रहा है। श्याम सुंदर ने दान दिया, साम दाम दंड भेद, जहां दान दिया माने कोई पुष्प पुष्प समर्पित किए, इतने में प्रिया जी का मान समाप्त हो गया। और श्री प्रिया जी कहने कहा पुष्प लाओ, और श्री श्याम सुंदर जो पुष्प प्रदान कर रहे हैं, इतने में ही श्याम सुंदर के हाथ में लगी हुई जो बंशी, वो बंशी भी पुष्प के साथ में प्रिया जी की झोली में पहुंच जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और यहां से एक नई लीला शुरू हो गई, श्री वंशी चोरी की लीला, वंशी हरण की लीला। उस वंशी हरण की लीला का फिर आगे विस्तार होने का है। बोलो गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय, श्रीताय गौर हरि।